मैं और मेरे साथ सफियान है। आज हम जा रहे हैं जानवरों के लिए चारा लेना। अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो आज माशाल्लाह जुमे का दिन है और मेरी तरफ से सबसे पहले आपको जुमा मुबारक। तो आज मैं और सफियान जा रहे हैं जानवरों के लिए चारा लेने। धूप की तरफ देख कर आज लग रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए हम सुबह सुबह जा रहे हैं जानवर के लिए चारा लेने, क्योंकि ये काम तो जरूरी है, रोजाना चारा लेने पड़ता है और इसलिए हम सुबह सुबह चलते हैं चारा लेने के लिए। तो सफियान जो है अपनी देसी बाजार पर बैठा हुआ और कह रहा था कि तुम मेरी वीडियो नहीं बनाते, और आज इसलिए जो शुरू है वो सफियान ने की है। इसको चारा तो डाला जाता है ना, ये जानवर है ना, इसे चारा तो डाला जाता है। चारा तीन टाइम चारा डाले जाए और झूले लेते जाए। सफियान झूले लेना ही नहीं होता, सब काम के लिए रखा हुआ। इन दिनों में बरसीम जो है वो खत्म होने वाला होता है, तो इन दिनों में जो नया चारा है वो काश्त किया जाता है, जैसे कि चेरी बाजरा वगैरह हो गया, तो उसे काश्त करना है अभी। तो इसलिए बरसीम को कुछ दिन पहले मैंने पानी लगाया था ताकि ज़मीन में वतर आ जाए, बाजरा और चेरी काश्त कर ली जाए। धान काफ़ी आगे चला गया और मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। धान की कटाई के बाद कुछ लोगों ने जो है ना खेतों में हल चला दी गई है। हमारे खेत में बरसीम उगाया हुआ था, इसलिए हमने हल जो है ना वो नहीं चला सके, थोड़ा सा बरसीम रह गया और हम इसे आज ही काट के ले जाएंगे घर, क्योंकि इसे पानी लगाया हुआ था खेत को, और अगर ज्यादा दिन खेत रहा तो ये फिर दोबारा सूख जाएगा और दोबारा इसे पानी लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें बत्तर भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें अब चरी और बाजरा काश्त करना है, तो इसलिए इसे जल्दी से फारा करते हैं, यानी कि जो चारा है इसमें से बरसीम वो सारा आज ही हमने खत्म कर लेना। तो इसमें हाल चलाने के बाद बरसीम काश्त किया जाएगा और बाद में जब वो बड़ा होगा वो जानवरों को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस जगह से बरसीम काट लिया गया और काटे हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन दोबारा से पीछे से जो है ना वो नहीं हो रहा, और आगे थोड़ा सा बरसीम था उसे दातरी से काटा नहीं जा सकता, इसलिए उधर जानवर ला के छोड़ दिए हैं। तो इस साइड से बड़ा बड़ा बरसीम है, इसे काटा जा सकता है। तो ये दातरी, इसे हम पंजाबी में दातरी बोलते हैं और उर्दू में इसे दांतरी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। इसी की मदद से चारा काटा जाता है, ये तो आप भी जानते होंगे। तो आप चलिए जी ये चारा और काटते हैं। अगर चारा बड़ा बड़ा हो तो जल्दी से काटा जा सकता है, इन दिनों में चारा जो है ना वो इतनी स्पीड से नहीं काटा जा सकता, आहिस्ता आहिस्ता काटते हैं, कभी ना कभी खत्म हो ही जाएगा। तो जो सुफियान है वो देखिए काम पर बैठा हुआ है। तो ये जो आपको पता ही जानवर लेके आए हुए हैं मवेशी, ये मज और गाई है, तो इनकी रखवाली कर रहा है ताकि ये घर को ना भाग जाए, किसी दूसरी साइड को ना भाग जाए। हाँ, हमारा भी रोजा, तो हम काट रहे हैं चारा, मैं और मेरे साथ भाई जान वो आए हुए हैं वाजिद छोटा भाई। ये देखिए यहाँ तक चारा काटना, आज ही हमने सारा चारा जो है ना वो काटना। ये देखिए हम आमना भी हमारे पीछे आ गई, इसने जो है ना डंडा पकड़ा हुआ है। तो ये दोनों छोटे जो है ना वो जानवरों की रखवाली बैठे हुए हैं ताकि जानवर भाग ना जाए। क्यों आमना? आमना जो कह रही है कि मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आमना फिर सुनाए क्या कहानी सुनाने वाली है। बुलबुल का बच्चा खाता था, पीता था, पानी गाता था, गाने मेले सलाने, एक अकेला बैठा हुआ था, मैंने उड़ाया, वापस नहीं आया। वापस क्यों आना था उसने? वापस क्यों आना था बोलो सफियान, तुम बताओ वापस क्यों नहीं आया वो? नहीं आया वापस, इस बार बच्चा फालतू तुम साढ़े देने उन्हें नहीं आना फिर वो बेलवान जो उड़ गए और तब 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 डरा ही रहे हैं, किस्मत आ ही रही है। तो जी चारा हमने काट लिया, तो अब इसे कपड़े में डाल के बांध लेंगे और बांधने के बाद घर को लेके चलते हैं जी। चारा काटने के बाद इसे कपड़े में डाल लिया सारे को, तो अब इसे बांध लेंगे और बांधने के बाद जो गधे पे लोड करके घर को लेके जाएंगे। सफियान साहब सही से पकड़ो यार, क्या कर रहे हो? चल अगे कर थोड़े जा, चल बस ठीक, चल सफियान चलिए चलिए।
तो चारा जो हमने गधे पर लोड कर लिया, तो अभी से लेके जा रहे हैं हम घर में। और सफियान, ये एक पाउंड है और ये एक, ये और एक, ये जो है ये भी खुला हुआ है। वो जो है वो तूड़ी है जानवरों को जो डालना है, तो ये मोटर जहाँ पर कुतर के डालना है। अभी जो है जानवर बाहर है और जानवरों की जगह खाली है। तो जैसा कि आपको पता, जुमा तो मुबारक का दिन है, तो मैं जुमे की तैयारी करके और जुमा पढ़ने जा रहा हूँ। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद आपको जरूर पसंद आई। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।